तो इसको आप फर्दर सॉल्व करो अंदर, ब्रैकेट को खोलो, एम एक्स माइनस जेड एम ई माइनस एम वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इसको भी खोल दो जेड एम ई प्लस एम ई, फिर ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सी का स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल, प्लस का जेड एम ई माइनस का जेड एम ई कैंसल, तो आपके पास फाइनली बचेगा मास ऑफ एक्स एटम माइनस मास ऑफ वाई एटम इनटू सी का स्क्वायर। तो अगर आपको एटम के मास गिवन हो, न्यूक्लियस के मास नहीं हो, तो भी आप क्यू वैल्यू निकाल सकते हो, आपको न्यूक्लियस के मास की कोई जरूरत नहीं है, आपको एटम का मास भी गिवन हो तो भी आप क्यू वैल्यू निकाल सकते हो। तो बीटा प्लस डीके में देखो क्या होगा, मैंने वैसे पहले ही बता रखा आपको, बीटा प्लस डीके में एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन होता है, थर्ड लिखो बीटा प्लस डीके, बीटा पॉजिटिव डीके, दैट इज एमिशन ऑफ प्लस वन ई जीरो, दैट इज पॉजिट्रॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन एमिट होता है। तो देखो इक्वेशन बना लेते हैं, सबसे पहले एटम है जेड, इसका एटॉमिक नंबर ए, इसका एटॉमिक मास, तो ये बन रहा है वाई में, इसके साथ निकल रहा है पॉजिट्रॉन प्लस वन ई जीरो प्लस, बताऊंगा अभी आगे क्या निकलेगा। तो इक्वेशन बैलेंस करनी है तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एक एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाएगा जेड माइनस वन, और मास नंबर सेम ही रहेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो एक प्रोटॉन कम हो रहा है, तो प्रोटॉन कम हो रहा है इसका मतलब प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, न्यूट्रॉन में, तो यहां पे क्या निकल रहा होगा, यहां पे निकल रहा होगा न्यूट्रीनो निकल रहा होगा आपका प्लस क्यू वैल्यू इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर की रिएक्शन लिख लेते हैं, इनसाइड न्यूक्लियस क्या हो रहा होगा, तो मैंने बोला कि प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में, तो पी प्लस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, जीरो एंड वन न्यूट्रॉन में प्लस एक पॉजिट्रॉन में प्लस साथ में निकल रहा है न्यूट्रिनो, ये इनसाइड न्यूक्लियस आपकी रिएक्शन होगी, ठीक है। अगेन अब इसमें क्यू वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, तो इसमें क्यू वैल्यू कितनी होगी, अगेन आपको मास ऑफ एक्स एटम एम एक्स ले लेंगे, मास ऑफ वाई एटम एम वाई ले लेंगे, तो यहां पर क्यू वैल्यू कितनी होगी, देखो नीचे वाला रब कर रहा हूं मैं इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है। तो क्यू वैल्यू निकालते हैं हम लोग इस बीटा पॉजिटिव डीके के लिए, बीटा प्लस डीके के लिए, तो क्यू वैल्यू मास ऑफ एक्स एटम, इसमें से आपको माइनस करने पड़ेंगे किसके, इलेक्ट्रॉन्स के मास को, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जेड इसका एटॉमिक नंबर है तो जेड ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जेड माइनस एम ई, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट मत लगाओ, ये तो हो गया रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में ये वाई बन रहा है आपका, तो एम वाई, वाई के एटम में से इसमें कितने प्रोटॉन है, Z माइनस वन, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, Z माइनस वन, तो Z माइनस वन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस अब पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन का मास भी इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, तो प्लस एम ई लिखूंगा मैं यहां पे इनटू, ठीक है,
इंटू सी का स्क्वायर, फिर आपका न्यूट्रीनो, इसका मास तो लेते नहीं है न्यूट्रीनो का, तो ये हो जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व करो फर्दर, तो क्यू वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा एम एक्स मास ऑफ एक्स एटम माइनस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस साइन अंदर जाएगा मास ऑफ वाई एटम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जेड को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, जेड एम ई माइनस माइनस प्लस प्लस एम ई, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस एम ई आएगा, माइनस एम ई फिर माइनस इस प्लस के साथ माइनस एम ई इंटू सी का स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं यहाँ पे, जेड एम ई से माइनस जेड एम ई से जेड एम ई कैंसिल हो गया, और आपके पास फाइनली जो बचा वो बचा मास ऑफ एक्स एटम माइनस मास ऑफ वाई एटम माइनस टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर डायरेक्ट आप एटम के मास को माइनस करके नहीं करना पड़ेगा आपको, आपको दो इलेक्ट्रॉन के मास को भी माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपकी क्यू वैल्यू निकलेगी। इंटू सी का स्क्वायर कर दो, तो इस केस में थोड़ा ध्यान रखना, इस केस में आप एटम के मास को माइनस करके डायरेक्ट क्यू वैल्यू नहीं निकाल सकते, आपको दो इलेक्ट्रॉन के मास को भी माइनस करना पड़ेगा तभी आपकी क्यू वैल्यू निकलेगी। आई बात समझ में? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नंबर वन, नाउ द क्यू वैल्यू, क्यू और क्यू माइनस ई, ठीक है, क्यू वैल्यू में दोनों आ सकता है, क्यू भी हो सकता है या क्यू माइनस ई, वो डिपेंड करता है कि जो वाई है वो एक्साइटेड स्टेट पर है कि डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है। Now the Q value available, ऐसे लिखो, now the Q value available, that is Q या Q minus E is majorly distributed between जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल, बीटा माइनस पार्टिकल निकल रहा, तो माइनस वन ई जीरो एंड इसके साथ क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो निकलता है इसके साथ, या अगर मान लो बीटा प्लस पार्टिकल निकल रहा, प्लस वन ई जीरो एंड इसके साथ निकलता है न्यूट्रिनो, ठीक है, इसके साथ क्या निकलता है, न्यूट्रिनो, तो इन्हीं में ये एनर्जी अवेलेबल होती है। क्यों? क्योंकि जो वाई होता है उसका मास बहुत ज्यादा होता है, तो मास बहुत ज्यादा होगा तो कम काइनेटिक एनर्जी ले पाएगा, ठीक है, बिकॉज मास ऑफ वाई इज लार्ज एज कंपेयर टू as compared to आपके इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, as compared to these, ठीक है, उसका मास कम होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, तो मेनली जो जो पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी होगी इन बीटा माइनस पार्टिकल और बीटा प्लस पार्टिकल, मतलब पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के पास जो मैक्सिमम क्यू एनर्जी का पार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इनका मास क्या होता है, कम होता है। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा बॉम्ब है, बॉम्ब नहीं, जैसे आप गन से फायर वगैरह करते हो तो देखते हो कि गन के पास, गन जो होती है वो जो बुलेट होती है वो काफी हाई स्पीड से जाती है और एक गन जो है ये बहुत कम स्पीड से जाती है, ठीक है, पीछे रिकॉइल होती है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, बुलेट की बहुत ज्यादा है इसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो गन है इसका मास क्या है, काफी ज्यादा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है, मोमेंटम दोनों का बराबर होगा,
ये तो ठीक है, मोमेंटम दोनों का बराबर होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आप बोलोगे तो काइनेटिक एनर्जी गन की कम होगी एज कम्पेयर टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। तो जिसका मास ज्यादा होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, क्योंकि हम लोगों ने उस रिएक्शन में भी देखा था कि काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास के, तभी हमने वो रिलेशन निकाला था। तो क्यू वैल्यू जो अवेलेबल होगी इन दिस केस वो मेजरली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी किसके बीच में, या तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, या फिर पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो। बीटा प्लस दिखे हो रहा है तो ये होगा, और बीटा माइनस दिखे हो रहा है तो ये होगा। तो इन दोनों के बीच में अवेलेबल होगी, या फिर अगर बीटा प्लस दिखे होगा तो इन दोनों के साथ पास अवेलेबल होगी क्यू वैल्यू। ठीक, सेकेंड पॉइंट लिखो, जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो इनके पास कितनी एनर्जी होगी। तो न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो कैन टेक एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये कितनी भी एनर्जी ले सकते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है। ये चाहे तो कुछ भी एनर्जी ना ले, या चाहे तो सारी की सारी एनर्जी ले ले क्यू वैल्यू की, ड्यू टू विच, ठीक है, ड्यू टू विच व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड will move in different radii circle, perpendicular magnetic field will move in different radii circle, different radii circle showing continuous spectrum, showing continuous स्पेक्ट्रम। ठीक है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम शो करता है। ये बात समझ में नहीं आई होगी आप लोगों को। चलो क्वेश्चन देखो, AU हम लोगों को गोल्ड दे रखा है, गोल्ड, और वो कन्वर्ट हो रहा है मरकरी में। क्वेश्चन हमें गिवन है, देखो AU कन्वर्ट हो रहा है Hg में, और Hg जो है वो एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में नहीं, एक्साइटेड स्टेट में। इसका कौन सा डिके हो रहा है, इसका बीटा माइनस डिके हो रहा है। तो यहाँ पर बीटा माइनस लिख दो आप, या माइनस वन ई जीरो लिख दो, इलेक्ट्रॉन लिख दो। प्लस इसके साथ क्या निकलता है, बीटा माइनस डिके के साथ आपको पता है एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। ठीक है, आपको इनके मास नंबर दे रखे हैं किसके, गोल्ड के और एचजी के। इसका मास नंबर भी 198 है, और इसका भी क्या है, इसका भी मास नंबर 198 है। ठीक है, 198 स्टार इधर लगा दो, ऐसा करो 198। और ये किस कौन से स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियस है एचजी का। ठीक है, तो प्रोड्यूस एचजी न्यूक्लियस, produced Hg nucleus, produce Hg nucleus having energy 1.0, क्या है, 1.088 mega electron volt, 1.088 mega electron volt above ground state। ठीक है, इतनी एनर्जी है किसके पास, इस Hg न्यूक्लियस के पास। फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस, जो ये इलेक्ट्रॉन है या फिर जो बीटा माइनस पार्टिकल है इसकी मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल हो सकती है आपको दे रखा है, गिवन दैट आपको मास गिवन है, किसके मास ऑफ एयू एटम गिवन है, इसके एटम का मास गिवन है आपको, देखो इसकी वैल्यू को ध्यान से देखना, 197.968233 एटॉमिक मास यूनिट यू, और मास ऑफ एच जी एटम आपको गिवन है, ये भी 197 के करीब है, 197.966 एटॉमिक मास यूनिट। तो हमें फाइंड करना है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी अवेलेबल होगी, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। सॉल्व करो इसको, तो इस केस में क्यू वैल्यू कितनी अवेलेबल होगी, इस केस में क्यू वैल्यू अवेलेबल क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में है तो ये जब ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो कितनी एनर्जी रेडिएट कर देगा, ये 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब ये ग्राउंड स्टेट में आ गया, अभी एच जी किस में आ गया है, ग्राउंड स्टेट में, तो इसने गामा रेडिएशन एमिट करेगा ये, और गामा रेडिएशन की एमिट एनर्जी कितनी होगी, ई विच इज इक्वल टू 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी ये क्या कर देगा, रेडिएट कर देगा, ठीक है। इसलिए वहां पर लिखा हुआ है कि अबाउ ग्राउंड स्टेट इसकी एनर्जी 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। अब क्या करो, तो हम लोगों को जब मैंने बताया था बीटा माइनस दिखे है तो उसमें डायरेक्ट आप एटम के माइनस के मास को माइनस कर सकते हो, आप क्यू वैल्यू निकालने के लिए आप एटम के मास को डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे एटम का मास दे रखा है एयू एटम का, डायरेक्ट मास को माइनस कर दो, तो 13 में से 6 गए 7, 11 में 7 गए 5, 7 में से 6 गए 1, 0.0 0.001573 0.015 आएगा, नहीं सॉरी 4 आएगा इधर, 11 में 7 गए 4, 0.001473 किसमें आया, ये एटॉमिक मास यूनिट में आया, ठीक है। तो याद रखना 0. तो क्यू वैल्यू कितनी अवेलेबल होगी, क्यू वैल्यू अवेलेबल विच इज इक्वल टू 0.001473 इंटू सी का स्क्वायर, सी के स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 931.5। इतनी एनर्जी तो आपको मिलेगी, माइनस ये रेडिएशन में एमिट हो गए तो माइनस 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इतनी एनर्जी आपको माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि वो एनर्जी आपको रेडिएशन में एमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.284095 0.284 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी अवेलेबल रहेगी किसके पास, एच जी और बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो के पास। तो अब ये एच जी तो एनर्जी लेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसका मास बहुत ही ज्यादा है, तो एनर्जी मेनली किसके पास होगी, बीटा माइनस और एंटी न्यूट्रिनो के पास। तो मैंने बताया था कि एंटी न्यूट्रिनो कितनी भी अमाउंट की एनर्जी ले सकता है या फिर ना भी ले, तो मैक्सिमम जो एनर्जी मिलेगी वो किसको मिलेगी, बीटा पार्टिकल को ही। तो मैक्सिमम कितनी एनर्जी मिल सकती है, मैक्सिमम इतनी एनर्जी मिल सकती है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल फॉर बीटा पार्टिकल, अभी इलेक्ट्रॉन लिख दो, वो कितनी होगी,
0.84, आप चाहो तो राउंड ऑफ कर दो, 0.841 कर दो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है किसके लिए, बीटा माइनस पार्टिकल के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन की। आया समझ में?